हेलो दोस्तों। तो भैया आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस वायरलेस चार्जर की, जो कि है हैमर की तरफ से। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ब्लू कलर का है और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ख़रीदा है। और ये मैं अपने कार में यूज़ करूँगा वायरलेस चार्जिंग करने के लिए कोई भी फ़ोन को। तो चलिए जल्दी से इसे खोल के चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं इसका रैप उठा देता हूँ। तो हमारा ये वायरलेस चार्जर खुल गया है। इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं ये क्या है, मैं निकाल कर चेक कर लेता हूँ। ओहो, ये है क्या, थैंक यू कार्ड, गो गुड गुड गुड। ये इनिशियल कंपनी जो होती हैं, छोटी मोटी अभी जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, जितने भी ये इस तरह के कार्ड्स और इस तरह के थैंक यू लेटर्स हमेशा भेजते हैं ताकि कस्टमर भी खुश रहे और कंपनी को भी कुछ अपने बारे में बोलने का मौका मिले। तो बढ़िया है भाई, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और ये है हमारा वायर जो कि टाइप सी, और ये है जो एक्चुअल वायरलेस चार्जर है उसे हम देखेंगे कि इसके अंदर ये प्लास्टिक के अंदर किस तरह से दिखता है। तो चलिए इस प्लास्टिक को हम रिमूव कर देते हैं धीरे धीरे। ये प्लास्टिक रिमूव करने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। तो ये रहा मेरा एक्चुअल वायरलेस चार्जर। वाह, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, लेकिन इसकी चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। 15 वाट की चार्जिंग कैपेसिटी है। और ये देख रहे, इतना छोटा सा है कि इसमें आराम से कोई भी फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो। और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, स्क्वायर शेप है। और इसके कोने में चारों तरफ LED आपको मिलेंगे, LED कलर। तो ये है चार्जिंग पोर्ट, जिसे कि मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये रिमूव करने के बाद इसे मैं फ़िलहाल लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ डस्ट कुछ भी घुस सकता है अंदर, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने कार के अंदर और देखेंगे इसको चार्ज करके कैसे अपना फ़ोन चार्ज हो पाता है इसमें, ठीक है। ओके, लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब इस वायरलेस चार्जर को हम कनेक्ट करेंगे इस पावर सॉकेट से, जो कि है टाइप सी केबल। तो ये टाइप सी केबल को हम इस वायरलेस चार्जर में डाल देंगे, और जैसे ही इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसमें से चारों तरफ ग्लो करेगा ऑरेंज कलर में। तो अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं ये लाइट को थोड़ा बंद कर देता हूँ, सनरूफ क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि इसमें कुछ जो भी लाइट जो मुझे दिख रही है शायद कैमरा में कैप्चर हो जाए। तो देखते हैं कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इस सनरूफ को भी मैं क्लोज कर दूँ, और अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है बाहर से। अभी देखिए मैं अंधेरा करके दिखा कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिखे। बट एनीवेज मैं बोल रहा हूँ कि चारों तरफ ऑरेंज कलर का दिख रहा है, क्योंकि अभी कोई चार्जिंग डिवाइस रखा हो नहीं, इसीलिए ऑरेंज कलर का। अभी मैं जैसे ही इस फ़ोन को इसके ऊपर रखूँगा तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो LED कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसे चार्जिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इस पर आप कोई भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, अगर आप कवर अगर आपके फ़ोन में कवर भी लगा हुआ है ना, तो भी ये फ़ोन आराम से चार्ज कर देगा। और इस वायरलेस चार्जर को आप किधर भी रख दो, अपने कार में रखो, अपने घर में रखो, तो कोई टेंशन नहीं है अपने फ़ोन में चार्जर लगाने की, ठीक है। एक बार इसको सिर्फ कनेक्ट कर दो अपने चार्जर से और बस हो गया काम, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते रहो। अभी ये आईफोन है, ये डायरेक्टली विदाउट कवर मैं इसे चार्ज करके चेक कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि एक फ़ोन जिसमें कि कवर लगा हुआ बैक कवर, वो चार्ज हो पाता है कि नहीं, वायरलेस चार्जिंग हो पाता है कि नहीं। तो मैं एक दूसरा फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ अभी। तो मैं इस फ़ोन को हटा करके, ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो कि 4 साल पुराना फ़ोन है, ये भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता था उस समय 2018 में, ग्रेट ना। तो इस फ़ोन में अभी बैक कवर लगा और हम देखते हैं चार्ज हो पाता है कि नहीं। और ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गया, वाह वेरी गुड। तो ये चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे कंपनीज़ के चार्जिंग वायरलेस चार्जर आपको पैड मिल जाएंगे, तो आप वो भी यूज़ करें। इस चार्जर की एक बहुत ही बड़ी कमी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो चार्जिंग पैड है इसमें कुछ रबर का कुछ सरफेस नहीं आता, जिसके कारण क्या होगा कि आप अगर फ़ोन रखोगे तो हो सकता है आपका फ़ोन स्लिप कर जाए। तो बेटर होगा कि अगर आप ये चार्जर ख़रीद रहे हो तो
एक ऐसा बैक कवर फ़ोन में लगा रहना चाहिए जो कि एक रबराइज फील या फिर मैट फिनिश होना चाहिए, ताकि आपके फ़ोन स्लाइड होकर के गिरे नहीं कहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको अपने नकली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।